In this problem, we are given that during damped oscillation, आपका जो amplitude है, वो 100 oscillations के बाद original oscillation का 1/3 हो जाता है. तो आपसे पूछा गया है, 200 oscillations के बाद amplitude कितना हो जाएगा? तो इसको solve करने के लिए, I have written the equation for damped oscillation, x is equal to a naught into e to power minus bt by 2m, sin omega dash t plus phi. हमें कहा गया है 100 oscillations पे a naught by 3 हो जाता है amplitude. तो मान लेते हैं 100 oscillations के लिए time लगता है t1. तो t1 की value कितनी हो जाएगी? t1 की value हो जाएगी 100 times 2 pi, क्योंकि angle कितना cover हो जाएगा 100 oscillation में? 200 pi upon omega dash. और 200 oscillations के लिए आपका t2 कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा 200 times 2 pi by omega dash. So clearly T2 कितना है? T2 है आपका 2 T1 के बराबर. अब आपको ये भी दे रखा है कि 100 oscillation के बाद, मतलब time T1 के बाद, आपका amplitude A0 by 3 हो जाता है. और इस damped oscillation में amplitude कहां मिलता है आपको? ये वाला expression है आपके amplitude का. एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज होता रहता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन a नॉट इनटू e टू पावर माइनस bt बाय 2m. तो हम क्लियरली देख सकते हैं, यहां पर अगर t की वैल्यू t1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका एम्पलीट्यूड a1 आ जाएगा, और t की वैल्यू t2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका एम्पलीट्यूड a2 आ जाएगा. तो a1 कितना है? a1 है a नॉट इनटू e टू पावर माइनस bt1 बाय 2m. और a2 कितना हो जाएगा? a2 हो जाएगा a नॉट इनटू e टू पावर माइनस bt2 बाय 2m. t2 की वैल्यू अगर मैं 2 t1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू a नॉट इनटू e टू पावर माइनस b 2t1 बाय 2m. तो मैं इसको t1 बाय 2m लिखकर पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दे रहा हूं. ये हो जाएगा आपका a2. अब अगर हम a1 की वैल्यू a नॉट बाय 3 सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? a नॉट बाय 3 इक्वल टू a नॉट इनटू e टू पावर माइनस bt1 बाय 2m, व्हिच इंप्लाइज e टू पावर माइनस bt1 बाय 2m इक्वल्स टू 1/3. तो e टू पावर माइनस bt1 बाय 2m की वैल्यू कितनी है? 1/3. अगर ये वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? a2 इज इक्वल टू a नॉट इनटू, ये पूरा कितना है? 1/3. तो 1/3 का स्क्वायर, व्हिच इंप्लाइज a2 इज इक्वल टू a नॉट बाय 9. इसलिए आपका एम्पलीट्यूड 200 ऑसिलेशंस के बाद कितना हो जाएगा? 1/9 of the original value. ये आपका answer है.